भारतीय कार मार्केट में हर बॉडी स्टाइल की गाड़ी मिलती है, लेकिन भारतीय बायर की सबसे पहली पसंद है हैचबैक। एक हैचबैक आपकी डेली सिटी ड्राइविंग को तो आसान बनाती है, साथ में आपके वीकेंड्स को भी काफी एक्साइटिंग कर देती है। इसका रीजन है कि हैचबैक का जो साइज है वो है बहुत कॉम्पैक्ट, जो सिटी ड्राइविंग के अंदर आपको करता है मदद, और साथ में पार्किंग का भी कोई इशू नहीं होता। स्पेस और डिजाइन के मामले में ये एक मिड साइज सेडान से तो डेफिनेटली बेटर है ही, साथ में आपको जो रोड पे पकड़ मिलती है वो भी इनमें बेहतरीन मिलती है। एंड जी हाँ, कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो एक हैचबैक की डेफिनेटली मिलती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एक प्रीमियम हैचबैक की, जिसके अंदर आपको मिले प्रीमियम फीचर्स, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी, आज हमारे साथ हैं टाटा अल्ट्रोज और मारुति सुजुकी बलेनो, जो है इंडिया की टॉप प्रीमियम हैचबैक्स। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस फेस्टिव सीजन के अंदर आपके लिए इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी कार रहने वाली है सबसे बढ़िया। रिसर्च के अनुसार 48% ग्राहकों को शोरूम तक खींचता है गाड़ी का डिजाइन, और डिजाइन के मामले में दोनों ही गाड़ियां बिल्कुल अलग हैं। नई बलेनो में पुराने के मुकाबले सभी पैनल बदल दिए गए हैं, बोनेट पहले से ज्यादा फ्लैट और चौड़ा कर दिया गया है, वहीं ग्रिल भी बड़ा हो चुका है, और नई LED फॉग लैम्प भी नई बलेनो में दिए गए हैं। कुल मिला के पहले से 5 मिलीमीटर छोटी और 10 मिलीमीटर लंबी हो चुकी है नई बलेनो। डिजाइन के लिहाज से बलेनो अभी भी काफी बेसिक है, और वहां पर अल्ट्रोज को मिलता है अपर हैंड। लंबाई दोनों ही गाड़ियों के बराबर है, लेकिन अल्ट्रोज है ज्यादा चौड़ी, जिसका फायदा आपको अंदर भी मिलता है। सेकेंड रो डोर हैंडल्स जो कि सी पिलर पर दिए गए हैं, एक स्टाइलिश डिजाइन एलिमेंट है, लेकिन हमारा फेवरेट है अल्ट्रोज का रियर प्रोफाइल। ग्लॉस ब्लैक पर अल्ट्रोज की बैज काफी यूनिक लगती है। कलर ऑप्शन के लिहाज से भी अल्ट्रोज मारती है बाजी, और सोने पे सुहागा अल्ट्रोज में आपको मिलता है डुअल टोन एक्सटीरियर, जो आपको बलेनो में नहीं मिलेगा। बलेनो जहां ऑर्डिनरी दिखती है, वहीं अल्ट्रोज लगती है स्पोर्टी और अग्रेसिव। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में बराबर ग्राउंड क्लियरेंस है, जबकि अल्ट्रोज में वीकेंड ट्रिप्स आपके लिए हो सकती हैं आसान। इसकी वजह यह है कि बलेनो से बूट स्पेस ज़्यादा है, जहां बलेनो में आपको मिलेगा सिर्फ 318 लीटर का बूट स्पेस, अल्ट्रोज आपको देता है 345 लीटर का बूट स्पेस। आप भी इन दोनों गाड़ियों को देख लें और अपनी पसंद हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। हम अपनी हर रोज की जिंदगी के अंदर गाड़ी के अंदर बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्यों ना इन गाड़ियों के इंटीरियर के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। पहली नज़र में या पहले ग्लांस में इन दोनों गाड़ियों के इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस दिखते हैं, लेकिन टाटा अल्ट्रोज का जो इंटीरियर है वो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स लेदरेट अपोल्स्ट्री, डुअल टोन इंटीरियर्स, और ये जो सैटिन फिनिश के अंदर डैशबोर्ड को फिनिश किया गया है, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली बलेनो से इसको एक अपर हैंड देती हैं। थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है इसका इंटीरियर कंपेयर टू द बलेनो। अलग अलग कस्टमर्स होते हैं, उनकी अलग अलग चॉइसेस होती हैं, सो टाटा मोटर्स ने आपको इंटीरियर्स के अंदर भी अलग अलग चॉइसेस प्रोवाइड करी हैं। जी हाँ, इसकी जो डार्क एडिशन आती है उसके अंदर आपको ग्रेनाइट ब्लैक कलर के इंटीरियर्स मिलते हैं, तो जैसा कस्टमर जैसी उसकी चॉइस, टाटा मोटर्स ने आपको उसके लिए हर प्रकार का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया हुआ है। छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े बदलाव पैदा कर देती हैं। इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल अल्ट्रोज के इंटीरियर के अंदर दूँ, तो सबसे पहले बात करता हूँ इस हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट की। तो अलग अलग ड्राइवर हैं, अलग अलग हाइट है या को पैसेंजर है, तो उसके हिसाब से आप अपनी यहाँ पे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं सीट बेल्ट की। ये फीचर बलेनो के अंदर मिसिंग है। एंड अगर जो मेन बदलाव है वो आपको पीछे वाली सीट में मिलेगा, अगर मैं आपको बताऊँ मेन चेंजेस जो हैं पीछे वाली सीट में, आप 3 लोगों के हिसाब से शोल्डर रूम आपको ज़्यादा मिल जाता है, साथ में ही आपको पीछे वाली सीट पर एक आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, जो लंबे सफ़र में पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए जर्नी को बड़ा आसान बना देगा। अब मैं आपको एक और फीचर के बारे में बताता हूँ जो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया है। इस गाड़ी के चारों दरवाजे जो खुलते हैं पूरे 90 डिग्री तक, जी हाँ, नॉर्मल गाड़ियों के डोर यहाँ पे रुक जाते हैं, बट ये जाता है पूरा 90 डिग्री तक, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर बैठना
और गाड़ी से उतरना उनके लिए हो जाता है बहुत ज़्यादा ईजी। और इधर आइए पास, मैं आपको इंटीरियर के और फीचर्स के बारे में बताता हूँ। पीछे वाली सीट के अंदर अल्ट्रोज में ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक फ्लैट फ्लोर, जिसकी वजह से तीन लोगों का यहाँ बैठना बड़ा कंफर्टेबल होने वाला है। साथ में ही रियर एसी वेंट्स भी हैं, 12 वॉट का सॉकेट भी है। रियर एसी वेंट्स बलेनो की फेसलिफ्ट के अंदर भी ऐड कर दिए गए थे। आगे आपको गाड़ी के फीचर्स और राइड एंड हैंडलिंग के बारे में बताएं, उससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, गाड़ी लेने से पहले गाड़ी आपके और आपके परिवार के लिए कितनी ज़रूरी है ये ज़रूर जान लें। जहाँ बलेनो को हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, वही अल्ट्रोज को बनाया गया है एडवांस अल्फा एजाइल लाइट फ्लेक्सिबल एंड एडवांस आर्किटेक्चर विद अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील। ये बताना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अल्ट्रोज में इस्तेमाल किया गया स्टील सामान्य स्टील से 3 गुना तक ज़्यादा मजबूत है, और इसका फ़ायदा अल्ट्रोज को मिला ग्लोबल एनकैप रेटिंग्स में, जहां इस कार को सेफ्टी के पैमाने में मिले 5 स्टार्स और भारत को मिली एक सुरक्षित कार। वहीं प्री फेसलिफ्ट बलेनो की लैटिन एनकैप रेटिंग को मिले थे 0 स्टार्स। तो चलिए फिर अब बात करते हैं ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। बलेनो के अंदर आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का इंजन, जो आता है एक 5-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स के साथ या फिर एक 5-स्पीड AMT गेयरबॉक्स के साथ। कोई डीजल का ऑप्शन नहीं है एंड ना ही टर्बो चार्ज वो इंजन है। अल्ट्रोज के अंदर आपको मिलते हैं 3 अलग अलग इंजन के ऑप्शन, आपको इसमें रेवोट्रॉन, रेवोटॉर्क और iTurbo का ऑप्शन देखने को मिलता है, और साथ में ही DCA यानी कि डुअल क्लच ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स मिलता है, जो कि इसको कस्टमर्स के हाथ में छोड़ देता है। जिस तरीके की उनकी यूटिलिटी, उस तरीके के चॉइसेस ड्राइविंग के अंदर कस्टमर्स को मिल जाते हैं अल्ट्रोज के अंदर। हैचबैक्स ज़्यादातर लोग शहर के अंदर यूज़ करते हैं, और शहर के अंदर गाड़ी में ट्रैफिक से बचने के लिए अगर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर, दोनों प्रीमियम हैचबैक्स में आपको एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको अल्ट्रोज में मिलता है DCA डुअल क्लच ऑटोमेटिक, वो मारुति के AMT जो 5-स्पीड AMT बलेनो में मिलता है उससे काफ़ी बेहतर है। और ये कहना गलत नहीं रहेगा कि ये वाकई गोल्ड स्टैंडर्ड है ऑटोमेटिक गेयरबॉक्सेस के अंदर। अल्ट्रोज DCA में वेट क्लच ट्रांसमिशन का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक्टिव कूलिंग की सुविधा मौजूद है। अगेन सेगमेंट एक्सक्लूसिव फीचर, इस DCA ट्रांसमिशन को 45 से ज़्यादा पेटेंट्स मिले हैं, और टाटा के इंजीनियर्स ने इसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर भी टेस्ट किया है। मशीन लर्निंग प्रोसेस के द्वारा DCA ट्रांसमिशन आपकी ड्राइविंग पैटर्न को आंख लेती है, ताकि आपको मिल सके परफॉर्मेंस और माइलेज का बेजोड़ कॉम्बिनेशन। हुई ना अल्ट्रोज DCA गोल्ड स्टैंडर्ड, वेट दैट्स नॉट इट। इस DCA ट्रांसमिशन की खासियत है सेल्फ हीलिंग, मतलब धूल मिट्टी से इसे फर्क नहीं पड़ता है। ऑटो पार्क फीचर भी बड़ा ही कारगर है। मान लीजिए आप हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं तो ऑटो पार्क गाड़ी को रोल होने से रोकता है। राइड एंड हैंडलिंग के मामले में अल्ट्रोज एक क्लियर विनर। अल्ट्रोज का स्टीयरिंग फीडबैक बेहतर है, गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी और राइड क्वालिटी भी शानदार है। यूं कहिए कि एक भारतीय कंपनी ही भारतीय सड़कों को इतनी अच्छी तरह समझ सकती है। तो चलो बात करते हैं दोनों गाड़ियों के फीचर्स के बारे में। शुरुआत बलेनो से करते हैं। बलेनो में आपको मिलता है एक हेड्सअप डिस्प्ले, क्रूज कंट्रोल, ऑटो डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रिक मिरर्स, रियर AC वेंट्स, पुश स्टार्ट बटन, कीलेस एंट्री, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट फुटवेल लैंप्स, सराउंड व्यू सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक TFT डिस्प्ले। वहीं अल्ट्रोज में लेदरेट सीट्स, हर्बन का इंफोटेनमेंट सिस्टम का जो टच स्क्रीन रिस्पॉन्स है वो बेटर है। साथ में आपको आयरा कनेक्टेड कार फीचर्स मिलते हैं। 7 इंच की TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो आपको एक बारी में बहुत सारी जानकारी दे देती है। स्टार्ट स्टॉप बटन, मूड लाइटिंग, ऑटो हेडलैम्प्स, ITPMS, क्रूज कंट्रोल, एक्सप्रेस कूल। अब आपने दोनों गाड़ियों के फीचर्स जान लिए हैं, तो ये भी जान लीजिए कि इनमें से कौन से फीचर्स वैल्यू फॉर मनी है, और इसके लिए आप खुद ही देख सकते हैं कि किस चीज़ का इस्तेमाल आप करते हैं। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, 9 इंच टच स्क्रीन, स्मार्ट प्ले प्रो प्लस, ये बलेनो में किए गए बदलाव फीचर लिस्ट में इजाफा करते हैं, लेकिन मारुति के पोर्टफोलियो में मौजूद बाकी गाड़ियों में ये जैसे इंटीरियर्स दिखते हैं। वैसे अल्ट्रोज में भी आपको एक बेहतरीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, एंड अगर ओवरऑल देखा जाए हमारी राय में अल्ट्रोज आपको बलेनो से ज़्यादा प्रीमियम फील होती है। यही नहीं, अल्ट्रोज में दिया गया एक्सप्रेस कूल, ITPMS,
मल्टी ड्राइव मोड्स, रियर एसी वेंट्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे फीचर्स फायदे का सौदा है। और अगर आप म्यूजिक सुनने का शौक रखते हैं तो अल्ट्रोज में लगा है 8 स्पीकर का हरमन का म्यूजिक सिस्टम, जिसके अकूस्टिक एक्सपीरियंस बलेनो में लगे 6 स्पीकर से बेटर है। टच स्क्रीन दोनों गाड़ियों में उमदा है, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद बलेनो की टच स्क्रीन को थोड़ा बेहतर किया गया है। लेकिन यही बात इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए नहीं कहा जा सकती। इसका साइज आपको टाटा अल्ट्रोज में बड़ा है और बड़े ही आसान तरीके से आप सही जानकारी पा सकते हैं। वॉइस कमांड्स दोनों ही गाड़ियों में मौजूद हैं, लेकिन अल्ट्रोज 2 कदम आगे है। यानी कि अल्ट्रोज में आपको नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर की वजह से इंग्लिश के अलावा हिंदी और इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस को ये समझता है। तो अगर बात करें कीमतों की, तो मारुति सुजुकी बलेनो शुरू होती है 6,50,000 रुपये से, और इसका जो टॉप मॉडल है वो जाता है 9,71,000 रुपये तक। और अगर बात करूं टाटा अल्ट्रोज की, तो इसकी कीमतें शुरू होती हैं 6,35,000 रुपये से, और टॉप मॉडल की कीमत जाती है 10,25,000 रुपये तक। दोनों ही प्राइस एक शोरूम मुंबई है। टाटा अल्ट्रोज के अंदर आपको मिलती है 2 साल और 75,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, जो इस बात को दर्शाती है कि टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्ट को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। टाटा मोटर्स ने ना ही सिर्फ अपने कस्टमर्स की बात को समझा है, बट ग्राहकों को सेफ्टी के पैमाने के बारे में भी बहुत ज्यादा जागरूक किया है, जो कि एक कमेंडेबल बात है। अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स गाड़ियों की बदौलत टाटा मोटर्स ने भारतीय इंजीनियरिंग का कौशल दुनिया तक पहुंचाया है, और टाटा मोटर्स की अल्ट्रोज का सक्सेस इस बात को डेफिनेटली दर्शाता है। तो अगर आप एक ऐसी प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं जो दिखने में हो स्पोर्टी, चलने में हो रॉकेट, और कन्वीनियंस के मामले में हो परफेक्ट, एंड साथ में आपकी जेब पे भी ज़्यादा भारी ना पड़े, तो टाटा मोटर की अल्ट्रोज मेरे हिसाब से रहती है एक परफेक्ट कार।